Then we go back to Turkey. And since he lived most of his life in Turkey, Turkey owns Rumi. So Rumi belongs to everyone, everyone he appeals to, everyone who talks about love. And that is the universal appeal. And our biggest accident of history, that we do not understand first-hand Turkish. I wish we did. I wish we had first-hand knowledge of Persian. And there was more articles in the media about Persian, Turkish, and Sindhi literature, and the common theme. So, with that, a personal story. About 15 years ago, I shared with Dr. Fahmida Hussain that I find the translations of Shah Latif very abstract and they don't appeal to me. And a lot of hard work has gone into these translations, not to demean anyone's work. And he said, you know, why don't you make an attempt? Why don't you first read Shah, take some of the simpler verses, and try to understand the message, and then you make an attempt on it. And then I discovered, so this was my introduction to Shah Latif. And I'm extremely grateful to Dr. Fahmida Hussain for opening up this world for me. Because this world is very relevant for me. This world is very interesting for me. It has opened up new horizons for me. And this is the message of love that we need to promote. Again, these are the conferences which are very important. It takes a lot of effort to organize this. This is why what I spoke about, the mobile phone, this comes out of passion, it comes out of love for you. Because when you turn on the idiot box in the evening, there is no literary program. So these conferences are very necessary. This is a two-day event. A lot of hard work and love has gone into it. So I hope everyone will enjoy this, these sessions, because so much effort has gone into it. With that, I would like to request Dr. Fahmida Hussain to join us and share the common themes of love and charity and Rumi. Thank you. I saw today in a conference today, Jim Bolin ke socho ho ta samu rakhanda si, and mene galanda si. पर खुशी जी गाल है अस तुर्की के बुधो अज हाँ मुझो छो अस मुख्तलिफ वक्त मुख्तलिफ बोल गाइन शहर में सिंध के गांधी के हंध में करण के कुछ ख्याल भी यो हो तो अस हर बोली गाल मू के शाह जो पैगाम पहुँचा सकूँ सो मुख्तलिफ मकाला मुख्तलिफ बोली में आए मुझो ही मकालो उर्दू में आए जो है फारसी शायरी जो है मौलाना रूमी हुए हाफिज शिराजी हुए शेख सादी हुए अतार निशापुरी हुए ये सभी फारसी जबान जहा अहम तरीन शायर है असाजे सभी सूफी शायर के मुताले हेट रहा है रूमी जो तो खास तौर शाह साहब पैंजे रिसाले में काफ़ी बैतन में जिक्र भी किया है कुछ बैतन में उनके ख्याल के वर्जाया भी है तो मुझे नंढड़ी कोशिश यह कई है तो आऊँ रूमी जो रूमी का पे थोड़ो फारसी जो रूमी जो असर जो है सो शाह साइंस से दिखारे सका किथे असर है किथे यूनिवर्सल थॉट मान के करे रूमी वट भी है शाह वट भी है जरूरी ना तो उन रूमी का ही खाया हो पर केतरी गाल महसूस कराई थी तो उ रूमी का मुतासर थी चयल है सो उन हवाले से आतरी माजरत यह कर चाहस फारसी मु सते क्लास में पढ़ी हुई जैसे जमाने में स्कूल में पढ़ाई हुई तो जो शेर पढ़ा फारसी जो मुमकिन है मुझे तलफुज में क्या गलती हुए पर कोशिश कई तो कुछ उनते मदद वा पर मुझे समझ में को आयो जो मुझे समझ में आयो आ शेर पढ़ शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के बारे में रिवायत बयान की जाती है कि वो हर वक्त कुरान मजीद मसनवी मौलाना रूम और रिसाला शाह अब्दुल करीम अपने साथ रखते थे सिंध के इन्हीं हलकों में फारसी शायरी की रवायत भी साबित है इसी तरह फारसी के शोरा भी यकीनन सिंध और सिंध की जुबान से मानूस थे जब ही तो मौलाना रूमी ने कहा था सिंधिया रा इस्तलाहे सिंध मदा
हिंदिया रा इस्तलाहे हिंद मदा, यानी सिंधियों को अपनी जबान अपनी इस्तलाह से की तारीफ करते हैं या मोहब्बत है, और हिंदियों को अपनी जबान या अपनी इस्तलाह जो है उससे मोहब्बत है और उसकी तारीफ करते हैं। आज मैं अपने मकाले में चंद फारसी शौरा खुसूसन मौलाना रूमी की शायरी की रिवायत का तसलसल शाह अब्दुल लतीफ बिटाई की शायरी के हवाले से बयान करूंगी। शाह लतीफ का एक मशहूर शेर है, जे तो बैत भाना से आए तू आहीन नियो मन लाइन तेरा सदे पाया, यानी तुम ये जो मेरे अभ्यास समझ रहे हो ये दरअसल आयात है जो ले जाकर अपने महबूब से मुलाकात करवाती है। इसी तरह मौलाना रूनी की मसनवी के बारे में मौलाना जामी ने फरमाया था, मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर जुबाने पहलवी, यानी सूफी शौरा के यहाँ ये ख्याल आम है और वो अपने पैगाम को अपनी जुबान में कुरान की तफहीम और तफसीर से मौसूम करते हैं। शाह लतीफ तो यूं भी फारसी के अजीम शायर मौलाना रूमी की मसनवी से काफ़ी मुतासर लगते हैं और ये वाहिद शायर हैं जिनका नाम उन्होंने अपने कलाम में इस्तेमाल किया है। यहाँ इस बात का ख्याल रखना होगा कि मुतासर होना और तकलीद करना दो अलग अलग बातें हैं। शाह साहब ने किसी भी शायर की तकलीद नहीं की, अलबत्ता चंद अशार में वो फारसी के शौरा से मुतासर ज़रूर महसूस होते हैं और ये असर ख्याल और ज़बान दोनों हवालों से देखा जा सकता है, ख़ास तौर पर तसव्वुफ की इस्तलाहात में मुमासलत पाई जाती है। सिंधी ज़बान के मौक़िक़ीन और मुरत्तबीन डॉक्टर गुरबख्शानी कल्याण आडवाणी के अलावा अंग्रेज़ मौक़िक़ डॉक्टर सोरले ने भी लिखा है कि शाह साहब ने शाह करीम मौलाना रूमी और कुरान मजीद का असर यकीनन कबूल किया होगा, मगर शायरी में उनका अपना एक अलहदा और मुनफरद अंदाज और डिक्शन है। सिंधी के एक और मुहक्किक लालचंद अमर डिनोमल और अंग्रेजी के रिचर्ड बर्टन और डॉक्टर ट्रंप ने लिखा है कि लोग शाह लतीफ को सिंध का हाफिज कहते हैं, तहम सूफियाना शायरी का अंदाज उनका अपना है। शाह लतीफ के कलाम में कई ऐसे अभ्यात मौजूद हैं जिनमें उन शौरा के साथ ख्याल की यकसानियत या मुमासलत पाई जाती है, मगर उनका एक अपना मुनफरद अंदाज जरूर है जो सरजमीन सिंध के मिजाज के ऐन मुताबिक है। उन्होंने न शमा परवाना न सागर उमीना ना ही गुलो गुल के अफसाने दोहराए हैं, और अगर वो कहीं परवाना पतंगे की सूरत में और शराब या मै का जिक्र मद और कड़ो कहीं कातिल यानी तल्ख और कातिल मै की सूरत में लाए भी हैं तो उनका माहौल और मिजाज किसी ईरानी मै खाने से कतई मुख्तलिफ है। शमा तो शाह लतीफ के यहाँ बिल्कुल मौजूद नहीं है, बल्कि उसके बजाय वो आग की भट्टी जिसे सिंधी में खूरा भी कहते हैं, जिसके तेज शोरों पर परवाने या पतंगे मर मिटने के लिए दूर दूर से आकर जमा होते हैं, और ये जानते हुए भी कि इस आग के अलाव में वो जलकर खाक हो जाएंगे, शौरी तौर पर इरादतन आते हैं जो उनके इश्क की पुख्तगी की मिसाल है, और शाह साहब की नज़र में ना पुख्ता या कच्चा इश्क हो या महज ज़ाहरी लगाव हो तो उससे ऐसा जज्बा पैदा नहीं होता। शाह साहब ने पतंगों को उन सच्चे आशिकों की अलामत बनाया है जो किसी आला मकसद के लिए अपनी जान फिदा करने को तैयार रहते हैं। उनके यहाँ महज दुनियावी तौर पर औरत और मर्द के इश्क का हवाला कम है, बल्कि इज्तमाई जज्बा इश्क का बयान है जो किसी भी मकसद के लिए हो सकता है। वो कहते हैं, पतंगन पह कयो मिड़िया मथे मच्च पसी लहस नल च्या लुडिया सड़िया मथे सच्च संदा विचिन लच्च बेचारन विन्याय। इसका तर्जमा यूँ है, पतंगों ने अहद किया और अल्लाह के गिर्द जमा हुए, उसकी तपिश और गर्मी से हरगिज़ न लर्ज़े और सच और हक के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें। मुलाहिज़ा कीजिए इन परवानों या पतंगों के तस्वुर को
क्या ये शमा परवाना के रिवायती तसव्वुर से मुख्तलिफ नहीं? ये तसव्वुर कहीं ज्यादा आला और बामकसद महसूस होता है। इसी तरह हाफिज शिराजी का एक शेर है, गर दीदे दिलम पुनर आहंग दीगरे, आतिश जन्म दरार दिल दीदे बर आरमत। अगर मेरी आंखें और दिल किसी और का ख्याल भी करे तो उस दिल को आग लगा दूं और आंखें नोच कर बाहर निकाल दूं। शाह लतीफ फरमाते हैं, अखड़ियों प्रिय रे जेकी ने पसंद तक कड़ी के कागन निवालाने लगा। इसका तर्जमा है, अगर मेरी आंखें महबूब के अलावा किसी और को देखे तो उन्हें निकाल कर कवों का निवाला बना दे। हाफिज शिराजी के एक से ज्यादा अशआर में बरखेज दिदा साकी मौजूद है। शाह साहब ने इस तरकीब को जू का तू की इस्तेमाल किया है और एक बैत में इस्तेमाल किया है, बरखेज दिदा साकी प्यार के प्रिन फिक्के न परचन मट्ट तकिया हूँ मंझिया। इसका तर्जमा यूँ है, ऐ साकी मैं ले आओ मेरे महबूब को पिलाओ, वो जाहिरी शराब के कतरे से राजी नहीं होते बल्कि उन्हें बातनी शराब की पूरी सुराहियों की तलब है। फारसी के एक और उस्ताद शायर शेख सादी का शेर है, दरमिया में कर दरिया तख्ते बंदा कर दही, बाज में गोई दामन तर मकुन हुशार बाश। यानी मुझे दरिया की मंदार में तख्ते से बांध कर छोड़ दिया है और फिर कहते हो कि खबरदार होशियार तुम्हारा दामन तर न होने पाए। ये एक ऐसा आफाकी ख्याल है कि शाह साहब के यहाँ भी मनोमन ऐसा ही एक बैत मौजूद है और दोनों में मुमासलत हैरान कुन है। ये हाफिज का असर ही हो सकता है। शाह साहब कहते हैं, मुखे मुँह किरन बदीक दो बार में उबा ये चवन त मछुड़ बांध पुसाए। कुछ रिसालों के नुस्खों में ये लफ्बार जो है ये तार भी है, यानी भरे हुए पानी में या दरिया में। मेरे अहबाब ने मुझे बांध कर दरिया की लहरों में डाल दिया है और अब कह रहे हैं कि अपना दामन गीला होने न देना। और यूँ एक शेर सादी शिराजी का और भी मुलाहिजा कीजिए, कली ने दरे दौलत अस्त आ नमाज के दर चश्मे मर्दम गुजारी दराज। वो नमाज दोज़ख की कुंजी है जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी जाए। अब एक और शेर मुलाहिजा कीजिए जिसका ख्याल हूबहू दोनों शायरों के यहाँ मिलता है। मौलाना रूमी कहते हैं, ये इसका तलफ़ुज़ थोड़ा सा मुझे शक है कि मैं सही नहीं करूँगी लेकिन बहरहाल मैं पढ़ देती हूँ। ई नदा कश अस बरबांग व नदास्त खुद नदानस्त ई बाकी सदास्त। तर्जमा, ये बाज गश्त दरअसल उसकी आवाज़ है, असल आवाज़ वो है, ये तो बाज गश्त है। शाह साहब कहते हैं, पढ़ा दो सो सत वर वाइ जो है नहीं, पढ़ा दो सो सत वर वाइ जो जे नहीं, हुआ अगही गत उधर नहीं बन जाए। बाज़गश्त ही दरअसल सदा है, अगर उस आवाज़ के राज को समझो तो ये दोनों हमेशा से एक ही थी मगर सुनने में दो आती हैं। एक तो तसव्वुफ की रिवायत का तसलसल, दोनों के कलाम की आफाकियत ने इनके इजहार बयान में मुमासलत पैदा की है। मौलाना रूमी ने एक शेर में लिखा है, वर्तवे हक अस आम माशूक नीस्त खालिक अस आम गोया मखलूक नीस्त। तर्जमा, वो हक का परतव है इसलिए माशूक है, इस सूरत में गोया खालिक ही माशूक है न कि मखलूक। शाह साहब फरमाते हैं, आशिक मचो उनके मकी चौ माशूक, खालिक चौ मखामतू मकी चौ मखलूक, सर्ज तय सलूक जो नाक सिया नहीं हो। तर्जमा, उसे ना आशिक कहो ना ही माशूक कहो,
اے ناپختہ انسان اس سے خالق کہو نہ ہی مخلوق اس راز کو سالک اپنے سلوک کے ذریعے ہی جان سکتا ہے جو ناقص العقل ہے وہ نہیں جان سکتا اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ کی لطیف بٹائی کس طرح تصوف کے عالمی رجحانات یا ہولسٹک ٹرینڈ سے جڑے ہوئے ہیں جو ہماری اس کانفرنس کی بھی تھیم ہے یعنی کنیکٹنگ گلوبل ٹرینڈز اینڈ بٹائی تھینک یو Thank you, Dr. Fendi Hossain. This concludes our session on Rumi and Shah and the common themes of Sufi mysticism in their poetry. Could I request Pahimim to take over from here? So we'll conclude our session and over to the next presenter.